नंदिनी देखो बहुत है, बहुत बर्दाश्त कर लिए हम लोग, ये सब कहाँ हो रहा है? हेलो, आपको भी दिखाई नहीं दे रहा, चाय पी रही हूँ। अरे वो तो हम आओ देख रहे हैं कि तुम महारानी की तरह सोफे पे बैठ के चाय के चुस्की ले रही हो। हम लोग उनके मुने ने कहा कि हम लोग चाय पिए। मैंने आपका मुंह बंद करके रखा है, नहीं ना, जाइए जाके चाय पी लीजिए। अरे कहाँ से चाय पी लें? क्यों, खुद बना लीजिए, या फिर अपनी बेटी से कहिए, वो आपके लिए बना देगी। देखो नंदिनी, तो हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार काहे कर रही हो? घर आए मेहमान के साथ दोनों ऐसे व्यवहार कर रहे का? काहे हम लोगों के तुम राशन पानी बंद कर रही हो? क्या बात कर रहे हैं, मैंने कहा आप लोगों का दाना पानी बंद किया है? रसोई से सारा सामान हटा के तुम हम लोगों के ऊपर तानाशाही दिखा रही हो? अगर हमारा दिमाग खिसक गवा ना, तो समझ लेना कि तुम्हारा बहुत ही बुरा हो जाए। ये अपनी धमकियाँ ना जाके किसी और को देना। मैं आपकी फालतू धमकियों से डरने वाली नहीं है, आप मेरा कर क्या सकते हैं? हम तुमका धमकी नहीं दे रहे हैं, और ना तुमका डरा रहे हैं, हम तुमका सलाह दे रहे हैं। अगर मान ले वो ना, ते में तुम्हारो भलाई है। तो एक बात आप मेरी भी सुन लीजिए, ये घर मेरा है, यहाँ पर मैं जो चाहूंगी वही होगा, यहाँ किसी और की मर्जी चलने वाली नहीं है। हमका किसी की मर्जी से कोई लेना देना नहीं है। अरे तो रसोई वाली बात है, ओके रे, बात तो हम देख लेंगे। क्या देख लेंगे? अरे मैं आपको यहाँ इस घर में रहने दे रही हूँ ना, उसी का शुक्र मनाइए। अगर यहाँ पर रहना है तो अपना खाना पीना खुद खरीदिए और बनाइए, मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं। काहे, यहाँ का कोनो अनाज की कमी हो गई है का, कि जो हम बाहर से अनाज लाएं, खाएं, बनाएं और पकाएं? अनाज की कमी है या नहीं मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी पत्नी को भी कह चुकी, बहुत दिन यहाँ पर खा लिए मुफ्त का, अब और नहीं, अपना लाइए और खाइए, हमारे यहाँ भी कोई खजाना नहीं है। अरे तुम तो एकदम धांधली पे उतर आई हो, तुमका तनको शर्म लिहाज है कि नहीं? अरे वाह, आपको तो बड़ी शर्म है जो अपनी बेटी के घर में इस तरह डेरा डाल के बैठे हुए हैं। हाँ, ये बात तो है, ये घर जो है ना वो हमारे दामाद जी के भी है। अरे तब है तो हम कह रहे हैं कि लाओ भंडार घर की चाबी हमका दे दियो। क्यों भाई, भंडार घर की चाबी क्यों दे, उसमें आपकी बेटी दामाद का कुछ भी नहीं, तो वो चाबी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ से जाइए, आप जाइए। तुम हमका ये बताओ कि तुम चाहती का हो, हैं? अरे ये घर हमारे दामाद जी के भी है, ना हम तुम्हारे मर्जी से घर में आए हैं और ना हम तुम्हारे मर्जी से यहाँ से जाएंगे। हाँ तो ठीक है ना, फिर आप मुझसे बहस मत कीजिए। हमसे बेमतलब की बात तो तुम करो ना, समझे हो? और तुम बार बार हमका तेवर काहे दिखा रही हो? अरे वाह, मैं आपको तेवर दिखा रही हूँ? हाँ, इतनी देर से आप मुझे धमकियाँ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपको तेवर दिखा रही हूँ। हाँ, हम तुमका धमकी दे रहे हैं, क्या कर लोगी? तुम्हारे मन में इतनी बेईमानी आ गई है कि अपने सगे भाई के हक मार के कह रही हूँ कि घर हमारा है। मैं अपने भाई का हक मार रही हूँ? तो जाइए, जाकर मेरे भाई से कहिए कि आकर वही अपना हक मांगे। आपको बीच में फालतू बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, कि तुम्हारे भाई से हमारे बिटिया के ब्याह हुआ है, और कानून के नजर में भी ना तुम्हारे यहाँ कोनो हक नहीं है। और आपका हक है? अरे पहले आप अपनी नीयत साफ कर लीजिए, जो अपनी बेटी के घर पे आके बैठ चुके हैं। अरे आप अपनी ही बेटी के सगे नहीं हुए तो मेरे भाई के सगे क्या होंगे? अरे चुप कर, ना तो अपन घर बसाएगी ना किसी का घर बसने देगी। हम तुम्हारा जो सच्चाई है ना आज सबके सामने ला के रहेंगे। रुको रुको, अब ही हम आवत है। ए घर घुसना दामाद, ए दामाद जी, अरे सुन रहे हो? कहां ससुर? खाने को एक रोटी नहीं है, लेकिन तेवर तो देखो, रस्सी चल गई, लेकिन सागर कोई जवाब है तुम्हारे पास? किस बात का जवाब मांग रही हो तुम? इसी बात का, जो तुम्हारी बहन ने नया तरीका निकाला है हमारे परिवार का इंसल्ट करने के लिए। अरे किचन का सारा सामान गायब करके क्या मतलब बनता है?
इस घर पे क्या सिर्फ उसी का राज है? तुम्हारी कोई हैसियत है या नहीं? अरे दमाजी बताओ, कब तक तुम ठपोर संग बने रहोगे? आखिर है क्या तुम्हारे मन में? आज आप सबको हो क्या गया है? जिसको देखो वही ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। अरे बहन, कम ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं? अगर यही हालात रहेगी ना तो हम कौनों को धमक देंगे। किस पर हाथ उठाएंगे आप, और आखिर क्यों? समझा लो अपने बहनी के, क्या पानी सर से ऊपर जा रहा है। अब ऐसा ना हो कि हमारा दिमाग खराब हो जाए तो हमसे पूरा कौनू ना हो। बस ऐसा क्या कर दिया दीदी ने जो आप इतना भड़क रहे हैं? अरे कौनू कर्म छोड़े से काम लोग, एक झूठा नए मारस बाकी सब कर्म कर डाले सब लोगों के। अरे कोई आपको जूता क्यों मारेगा? देखिए पापा जी, आप बताएंगे बात क्या है तो शायद मैं आपको कुछ समझा पाऊँ। अरे तुम क्या समझो यार, हैं? तुम हो कौनो कर्म छोड़े हो का हमारे लोगों के? तुम तो हमारे लोगों के नाम में ससुर छेद कह दी हो। अरे तुम तो छेदर की हो, लेकिन तुम्हारी जो बहनी है ना वो हम लोगों के पूरा नावे डुबो दे चाहत है, हम लोगों के भूखा मुआ दे चाहत है। ऐसा कैसे हो सकता? तो जाके पूछो अपनी बहनी से। रसोई के सारा सामान निकाल करके जो है स्टोर रूम में बंद करके ताला कमर में चाबी लगा के घूम रही है, और हम लोगों से कह रही है कि जाओ राशन पानी बाहर से लेके आओ और बनाओ खाओ। पापा जी ऐसा नहीं हो सकता। तो हम क्या का पागल कुत्ता काटे जो सवेरे सवेरे तुम्हारे साथ हम दिमाग खराब कर रहे हैं, और ऊपर से तुर रही कि कह रही की घर रोकर है, जैसे सबको नचाएगी सबको नाचना पड़ेगा। चुप क्यों हो सागर, जवाब दो। आखिर तुम जवाब क्यों नहीं देते? बोलो दमाजी, बोलते कौन है? सागर, इस घर में क्या तुम्हारी बहन की ही इज्जत है? हमारी कोई इज्जत नहीं। अरे वो पापा मेरे मम्मी पापा की इंसल्ट क्यों कर रही है? अच्छा बिटिया तुम चुप रहो, हम बतिया रहे ना इनसे। दमाजी तुम भुला गए सब है, एक एक पैसा के मोहताज रहे हो ससुर, भूखे नंगे मारे मारे फिर रहे थे, तो हमने तुमको अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार दिया, इज्जत दिया, दौलत दिया, यहाँ तक कि अपना दामाद तक बनाया। लेकिन आज जब तुम्हारे घर में अनाज है तो हम लोगों के भूखा रखा जा रहा है, एकर कौनो जवाब है तुम्हारे पास? जी दीदी ने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं मालूम। हम बताए थे काहे किया? काहे कि तुम्हारी जो बहनी है ना वो दुनिया में सबसे न्यारी है, भगवान ने एक ही पीस बनाया है, ओके बाद ही पीस बनाया कि उस सांचा को तोड़ दिया। हमरे तरफ टुकुर टुकुर देख कर है ना घूर का रहे हो, क्या कि समझा दे उनका ज्यादा अंधेर न मचावे, नहीं तो हम उल्टी खोपड़े के आदमी है, एक बार हमारा दिमाग अगर घूम गवा ना तो हम आर पार कह देंगे, समझ ले हो? जी मैं बात करता हूँ और देखता हूँ कि क्या हो सकता है। हाँ उनसे बात कर लेना, ऐसा ना तुमने सोचा मुझे है चिड़िया चुप जाए खेत, समझे हो? हम जा रहे हैं, बात कर रहे हो। ये घर की साफ सफाई तो ठीक है, लेकिन ये जो धूल जमी हुई है रणवीर और उसके परिवार की, उसके बारे में क्या सोचा? वही किया मामा जी जो आपने कहा था, कल रात को किचन में जाकर सारा सामान लेकर स्टोर रूम में बंद कर दिया। ये रही स्टोर रूम की चाबी। शाबाश बिटिया शाबाश, अब देखना ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। आएगा नहीं मामा जी, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। मतलब सुबह से ही ये लोग दिल मिला रहे हैं, सुबह की चाय नहीं मिली, नाश्ता नहीं मिला, सबके सब खींचे हुए हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? सबसे पहले सोनिया की मम्मी आई, मुझ पर बहुत भड़क कर गई। अरे ये तो होना ही था, फिर क्या हुआ? उसकी थोड़ी देर बाद सोनिया के पापा आए, लेकिन उनसे तो मेरी बहस हो गई। मैंने तो उन्हें सीधा सीधा कह दिया। क्या कहा तुम्हें? यही कि अगर इस घर में रहना है और खाना पीना है तो अपना सामान तुम खरीदिए, बनाइए और खाइए। ये बात सुन के तो गुस्सा हो गया, मुझे धमकी भी देके गए। देखते हैं अब आगे क्या करते हैं। अरे क्या करेंगे, नंगे हैं नंगे, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? क्या मतलब? मतलब यही कि भूखे मरेंगे अब।
ठीक है मामा जी, लेकिन ऐसा करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं बेटा, अब तुम भावना में बह के कोई गलती मत कर देना। भूख में बेटा वो ताकत होती है ना कि अड़ियल से अड़ियल जानवर भी काबू में आ जाता है, और ये लोग तो लालची गीदड़ हैं, इनको काबू में आने में अब वक्त नहीं लगेगा, इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। शायद आप ठीक कह रहे हैं मामा जी, इन सारी बातों के बाद शायद ये लोग सुधर जाएं और उन्हें थोड़ी सी अक्ल आ जाए। मेरी तो आज तक ये समझ में नहीं आता कि आदमी में इतना लालच होता क्यों है। अरे अब अक्ल तो आनी है, कब तक भूखे रहेंगे है? जेब में थैला नहीं है, जब सिर पे भूख की आग नाचेगी ना तो भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा इनके पास। अरे लेकिन भागेंगे भी तो जाएंगे कहाँ, वहाँ पर भी तो सब कुछ बेच आए हैं। अरे वो जाने है? जिंदगी फिर से जीना सिखा देगी, और यहाँ से जब निकलेंगे ना तो खुद ही रास्ता ढूंढ लेंगे। काश ऐसा हो जाए। अगर ऐसा हो गया ना मामा जी तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा, मेरा पीहर बच जाएगा। तुम घबराओ मत बेटा, देखना अब ऐसा ही होगा। सबके पीछे ही ममुआ शकुनी के हाथ है, अब तो सबसे पहले ही ममुआ के पर कतरी करेगी। पीहर पीहर पीहर। एक एक पैसा के मोहताज रहे ससुर, भूखे नंगे मारे मारे फिर रहे थे, तो हमने तुमको अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार दिया, इज्जत दिया, दौलत दिया, यहां तक कि अपना दामाद तक बनाया। यूं अपने माथे पे सलवटे डालकर सोचने का नाटक करना बंद करो। तुम्हें क्या लग रहा है मैं नाटक कर रहा हूँ? और नहीं तो क्या। देखो सागर, अगर सोच के तुम सारा वक्त खराब कर दोगे तो एक्शन कब लोगे? तो क्या करूँ, क्या 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 नहीं हो, किसके खिलाफ एक्शन लूँ मैं? अपनी बहन के खिलाफ। सागर तुम्हें अपनी बहन से खुलकर बात करनी होगी। चाहता हूँ मुझे दीदी से बात करनी, सोच रहा हूँ कि कैसे बात करूँ मैं। बस यही सोचते रहो कि कैसे बात करूँ, और तुम्हारी बहन हम लोगों की बेइज्जती करती रहे। और कितनी बेइज्जती करवाओगे हमारी सागर, अब तो जानवर से भी बदतर हालत हो गई हमारी। सोनिया अभी ऐसे हालात नहीं है, दीदी ने अगर ऐसा कहा है तो जरूर वो भी किसी बात से हर्ट हुई होगी। तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हें दीदी का हर्ट होना दिख रहा है, लेकिन जो उसने मेरे मम्मी पापा की चाय पर बेइज्जती की उसका कुछ भी नहीं। सुनिए तुमने भी तो उस दिन किचन में अपने लिए चाय बनाई थी, जबकि दीदी वहीं किचन में खड़ी हुई थी, तुमने उनसे पूछा तक नहीं, ये उनके लिए इंसल्टिंग नहीं है? सागर मैंने किचन का सामान कोई छुपाया नहीं, और ना ही स्टोर की चाबी अपने पास रख ली है। तुम्हारी दीदी को किसी को भूखा प्यासा रखकर क्या सुख मिलेगा? सुनिए क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी? कब तक तुम मुझे चुप कराते रहोगे, मैं तो बोलूंगी। अरे आदमी तो कुत्ते को भी रोटी डाल देता है, पर आज उसने हमारी उससे भी बुरी हालत कर दी है। आज हमें खाने पर राशनिंग के दिन देखने पड़ रहे हैं। सुनिए अभी कोई राशनिंग चल रही है? मैंने कहा ना मैं दीदी से बात करूंगा। बस तुम ऐसे ही करते रहना दीदी दीदी, और तुम्हारी बहन ऐसे ही रंग दिखाती रहेगी अलग अलग। देखना सागर, एक दिन वो तुम्हें भी धक्के मार के बाहर निकाल देगी। सुनिए मेरी बात समझने की कोशिश करोगी? अरे ये हमारे लिए ट्रांजेक्शन का फेस है, और इसमें हमें थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। मैं मानती हूँ सागर कि हमारी ये ट्रांजेक्शन का दौर है, हमारी मजबूरी भी है, लेकिन सागर हमारी मजबूरी की आड़ लेकर कोई हमारी बेइज्जती करे ये नहीं हो सकता, और वो भी तुम्हारी बहन। सोनिया प्लीज ये बार बार बहन बहन करके ना कमेंट करना बंद करो। तुम्हारी बहन को तुम्हारी बहन नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं, खून का रिश्ता है तुम्हारा, और देख लिया अपने खून का रंग कितना काला है। आज तो तुम्हें भी उसने दरकिनार कर दिया और अकेले बैठ के चाय पी रही है, और तो स्टोर पर भी कब्जा कर लिया। सोनिया सारी की सारी बातें मेरे सामने हो रही हैं, और ये बार बार एक ही बात को दोहरा के तुम्हें मिल क्या रहा है? मिलना क्या है, जो मिलना था उस पर तो कुंडली मारकर बैठी हुई है वो। क्या ये दिखाने के लिए लाए थे तुम मुझे यहाँ पर? मुझे इस चीज की कोई भविष्यवाणी नहीं हो रही थी कि मेरे आते ही यहाँ पे ये सब कुछ होगा। अगर पता होता कि सब मुंडाते ही ओले पड़ेंगे तो मैं यहाँ पे कभी आता ही नहीं। अब दिख रहा है ना ओले पड़ रहे, तो अपनी आंख और कान बंद करके क्यों बैठे हो? कुछ तो बोलता,
अरे तुम अब ये सब छोड़ो, चलो अब यहाँ बैठे रहने का कोई फायदा नहीं, चलो हम लोग कहाँ? अरे चलो तो सही, वहाँ भूख लगी है, अब खाना मंगवाएंगे। दीदी ये सब क्या हो रहा है इस घर में? क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। अरे घर जैसा था पहले वैसा करने की कोशिश हो रही है और क्या। ये घर पहले ऐसा था कि लोगों को एक कप चाय भी नसीब नहीं हो सकती? नहीं ऐसा नहीं था। तो फिर दीदी क्यों मुझे और मेरे ससुराल वालों को इतना बेइज्जत किया जा रहा है? तो अपनी बात कर, अपने ससुराल वालों की नहीं। क्यों? मेरे रिश्तों की कोई कदर नहीं आपकी नजर में? कोई इज्जत नहीं है? इज्जत उनकी की जाती है जो करने देते हैं। उनकी इज्जत करके मुझे क्या मिला? हाँ ओ, तो आप सोनिया की बात कर रहे हैं? दीदी आप जानती है ना कि वो बहुत बड़बोली है। सोनिया नहीं, यहाँ तो पूरे के पूरे कुएं में ही भांग रही। हर एक आदमी मुझे ताना देता है, गालियां देता है, अरे मुझे पागल करने की कोशिश करी थी। तू ही मुझे बता, लोगों की इज्जत करने का क्या ये फल मिलता है? दीदी थोड़ा टाइम दीजिए, सब ठीक हो जाए। नहीं सागर, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं। तो दीदी आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? तुम्हारे लिए और हमारे लिए बेहतर यही होगा कि तू इन लोगों को लेकर यहाँ से चला जा और आगे इस विषय पर मुझसे कोई बात करना। पीहर प्रायोजक लाइफ बॉय सोप, अब मौसम बदलने का कोई डर नहीं।